क्लिनिक मत बोला यार, हॉस्पिटल बोल दो, बहुत अच्छा, बहुत ही बड़ा है। एक्चुअली आई थिंक दिस इज़ वेरी गुड थिंग विच इज़ हैपेंड बिकॉज वेन यू हैव अ गुड बॉडी इट एक्चुअली गिव अ लॉस ऑफ कॉन्फिडेंस। तो अगर ऐसा कोई चीज़ ऐसे बन के आती है जहाँ पे आप जाके अगर इफ़ यू नॉट ओके विद समथिंग आप जाते हो और आप अपनी बॉडी को अपने हिसाब से मॉडिफाइड कराते हो, सो मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि इट्स लाइक अ ब्लेसिंग फॉर एवरीवन। और कभी फ्यूचर में अगर सपोज वेट गेन होता है या कुछ होता है, कुछ है करना चाहेंगे? बिल्कुल, क्यों नहीं। आई मीन मुझे ऐसा लगता है कि अगर इफ़ यू हैव एनी इशू विद योर बॉडी और आपके पास पैसे हैं और अगर मन करता है जाके कुछ ऐसा करना है तो उसमें कोई हार्म नहीं है। यू डोंट नीड टू टेक परमिशन फ्रॉम एनीवन। अच्छा, इंडस्ट्री में एक चलन भी है, अगर सर्जरी कर भी लेते हैं लोग तो काफ़ी हेजिटेट करते हैं इसे एक्सेप्ट करने में। हाँ, बिकॉज लोग जज बहुत करते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप कुछ भी कोई भी बॉडी में कोई भी चीज़ करते हो, पीपल दे सडनली जज, फिर उनको सिर्फ वही दिखता है, उनको और कोई चीज़ नहीं दिखती। मतलब जो चीज़ें आपकी बॉडी में बहुत नेचुरल है वो सडनली डिसअपेयर हो जाते हैं, तो इसलिए दे डोंट टॉक। ओके, एनी अपकमिंग प्रोजेक्ट यू वांट टू शेयर? फ्रेंकली स्पीकिंग आई हैवंट साइंड एनीथिंग, बट आई हैव अ बिग रिलीज इन ऑगस्ट। It's a South film and we're going to release worldwide. Some big names are involved in the project. And I think within this month, in May, I'm going to sign something in the meeting. Thank you so much. Thank you so much. Yes, sir.